हेलो एवरीवन, आज मैं अपना ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। उधर चाय बन रही है, इधर मैं पीनट्स को रोस्ट कर रही हूँ। ये मूंगफली हैं जिसको मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं आज ना नमकीन सेवैयाँ बना रही हूँ सॉल्टेड वर्मिसेली। तो उसके लिए मुझे, अब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं वर्मिसेली को रोस्ट कर रही हूँ। वर्मिसेली को आपको सिर्फ 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करना है, लाइक 2 मिनट तक आपको रोस्ट करना है, बिल्कुल लो फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप ज़्यादा रोस्ट करोगे तो वो जल सकता है। तो मैंने आपको दिखाना है कि मैं ये वाले सेवैयाँ यूज़ कर रही हूँ जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और यहाँ पे साइड में जो आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैंने पीनट्स, ये मैंने मूंगफली यूज़ किए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्मिसेली की शक्ल, सेवैयाँ की शक्ल की कितनी सही गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और मैं अब इसको बस 10-20 सेकेंड तक और इसको रोस्ट करूँगी और उसके बाद इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा अगर आप गोल्डन करोगे ना तो वो फिर टेस्ट नहीं रहेगा। तो ये रही मेरी वर्मिसेली रोस्ट की हुई और ये मेरे पीनट्स रोस्ट किए हुए। तो अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। यहाँ मेरा पैन गर्म हो चुका है और इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर 10 सेकेंड तक इसको छोड़ेंगे हीट होने के लिए। और जो मैंने इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो हैं कैरेट, अनियन और बीन्स। इन तीनों को मैंने बिल्कुल बारीक तरीके से काटा है। अगर आपको इससे भी बारीक काटना है तो आप काट सकते हो। और मैंने ये जिंजर लिया था जिसको मैंने ग्रेट करके डालना है स्टार्टिंग में ही। तो यहाँ आप देखें ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स। और अब मेरे ऑयल जो है वो हीट हो चुके हैं, तो मैं इसमें अब डालूँगी ब्लैक मस्टर्ड सीड्स और उसके बाद करी लीव्स और जिंजर को ग्रेट करके बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे सिर्फ टेस्ट के लिए। जिंजर को थोड़ा, जिंजर से ना थोड़ा टेस्ट निखर कर आता है। क्या डाल रही हो? करी लीव्स। तुम्हें करी लीव्स खरीदना पड़ा? क्या करेंगे, खुद ही चल कर आएगा। सिडनी में तो पेड़ ही था ना, तो वो राहुल देता था ना, ला कर अभी कोई नहीं। तो यहाँ मैंने जिंजर को ग्रेट करके डाला था, वो मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी आपको। जिंजर मैंने बहुत ही कम लिया था सिर्फ टेस्ट के लिए। और यहाँ मैं ग्रीन चिली डाल रही हूँ। इन सबको 10 सेकंड तक इसको स्टेयर करेंगे, उसके बाद इसमें अनियन डालेंगे। अब मैं इसमें अनियन डालूंगी क्योंकि 10 सेकेंड हो गए। प्याज डालते हैं। अब इसमें सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट आप अपने स्वाद के हिसाब से ही डालना, जितना आप नमक खाते हो आपको आइडिया हो जाएगा। आप अगर कुक करते हो तो आपको आइडिया हो जाएगा, नहीं कुक करते हो तो आप थोड़ा कम ही डालना। अगर कम रहा तो आप फिक्स कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा रहा तो वो बस स्पॉइल ही करेगा, फिक्स नहीं कर सकते फिर आप। अब मैं इसमें बिल्कुल थोड़ा सा टर्मरिक यूज़ करूँगी, हल्दी, और अब इसको मिक्स करेंगे। 30 सेकेंड तक इसको स्टिर करेंगे। स्टार्टिंग में जो मैंने पीनट्स रोस्ट किए हुए थे ना, उसको अब इसमें डालेंगे और सारे मसालों को मिक्स करेंगे इसके साथ, और 1 मिनट तक लो फ्लेम में इसको स्टिर करते ही रहेंगे। 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ और बीन्स डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं। अब मैंने गाजर और बीन्स इसमें डाल दिया है और अब मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट तक लो फ्लेम में ढककर पकाएंगे। अगर आप ढककर नहीं पकाना चाहते हैं तो आप ओपन में भी पका सकते हैं, मीडियम फ्लेम में। स्टिर करते ही रहना है, रुकना नहीं है। तो यहाँ आप मेरी गाजर और बीन्स की शक्ल देख सकते हो, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। और अब मैं इसमें वर्मिसेली डालूंगी जो मैंने साइड में रखा हुआ है। तो यहाँ मैंने पानी को गर्म करने के लिए रखा है, क्योंकि मुझे वर्मिसेली में गर्म पानी डालना है। आप भी ऐसे ही करना, इससे क्या होता है जल्दी पक जाता है। अब मैं वर्मिसेली को इसमें डालूंगी और डालने के बाद सबके साथ मिक्स करूंगी इसको पहले अच्छी तरीके से।
तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो चुका है और अब मैं इसको वर्मासेली में डालूंगी। और वर्मासेली से थोड़ा सा ही पानी ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल माइनर ऊपर होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा डाल देना। पानी डालने के बाद आप अच्छे से मिक्स करना, सब कुछ अच्छे से स्टिर करना। उसके बाद 5 मिनट तक लो फ्लेम में आप इसको ढक के पकाना। अगर आपको ढक के नहीं पकाना है तो आप ऐसे ओपन में भी लो फ्लेम में आप पका सकते हो। टंटना, मेरी वर्मासेली रेडी हो चुकी है और आप देख सकते हो इसकी शक्ल कितनी अच्छी दिख रही थी, खाने में तो इतनी टेस्टी थी। मैं इसका फीडबैक आपके सामने राका से पूछूंगी और आप खुद ही सुन लेना कि उसने क्या बोला है। तो मैं वर्मासेली में लास्ट टचअप दे रही हूँ। मैंने अभी जस्ट कोरिएंडर लीव्स डाला है, धनिया का पत्ता, जो कि हम सब डालते हैं किसी ना किसी फूड में, जिसमें डालना चाहिए उसमें डालते हैं, तो इसमें भी डालना है आपको एंड में, जब ये आपकी वर्मासेली रेडी हो जाए। ओके, तो अब इसका हम फ्लेम जो है वो ऑफ कर देते हैं। कैसा था राका? इट्स वेरी गुड। क्या है ये? सॉल्टेड सेवई। सॉल्टेड सेवई, हम दोनों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया, कैसे भी करके हमने फिनिश कर दिया। इट वाज वेरी वेरी गुड। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है और अब मैं जॉब के लिए रेडी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा था कि चलो इस मोमेंट को भी कैप्चर कर ही लिया जाए। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहाँ पे फिनिश करती हूँ। गाइस, थैंक यू सो मच, अगर आप अपना प्रीशियस टाइम मेरे वीडियोस के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं तो थैंक यू सो मच। मैं जितनी ज़्यादा आप लोगों को धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। तो अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं, इसी के साथ सी यू, बाय।